उज्जैन नीलगंगा थाना क्षेत्र में अल सुबह दूध लेने जा रही एक बुजुर्ग महिला के गले से बदमाश ने चेन झपट ली। महिला के द्वारा शोर मचाने पर क्षेत्रीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पकड़े गए युवक की पिटाई करते हुए नीलगंगा पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दस आदित्य नगर निवासी श्रीमती लक्ष्मीपति द्वारका प्रसाद उम्र 65 वर्ष दूध लेने जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपट ली। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। लोगों ने पकड़े गए बदमाश की सार्वजनिक पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम योगेश पिता छित्रलाल बेरवा निवासी मरीमता बाड़गंगा इंदौर व उसके साथी का नाम सोनू पिता प्रीतम बेरवा पुष्पानगर इंदौर है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसे आरोपी अपने दोस्त से मांगकर लाने की बात कह रहा है, जबकि पुलिस को बाइक को चोरी होने की शंका है। पूछताछ में आरोपी ने पूर्व में भी 7-8 वारदातें करना कबूल किया है और बताया कि उसकी 6 बहनें हैं और इनमें से एक हाईकोर्ट वकील है जो उसे बचा लेती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये पुलिस विवेचना के बाद सामने लाएगी। जनता ने फोन करा था, हमने एक चेन स्टेटर को पकड़ा है, हमारा तो गए पुलिस वाले और उसको लाया था, मतलब जनता उसको लेकर आई और जो चेन छीनी थी वो लक्ष्मी तिवारी है, आदित्य नगर की रहने वाली है। तो जो चेन इसने चाहिए उसका नाम योगेश पिता छित्रलाल अकोलिया और उसका सुझाते ही बेरवा। ये सर कितने लोग थे? ये लोग दो लोग थे, एक आदमी भाग गया ना और एक पकड़ा गया। ठीक।